नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा जी की गाड़ी पंचगछिया स्थित तृणमूल कांग्रेस ऑफिस पहुंची, वैसे ही लोगों का जनसैलाब उन्हें देखने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। बाराबनी के विधायक श्री विधान उपाध्याय के साथ बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह विराजमान थे। सबसे पहले बाराबनी के विधायक श्री विधान उपाध्याय, बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह और विधायक के छोटे भाई मुकुल उपाध्याय ने फूलों का बड़ा माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात बिहारी बाबू को सफेद बड़ा गमछा उनके कंधे पर डालकर स्वागत किया गया। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी ने नारियल पानी का आनंद लिया। बाराबनी के विधायक श्री विधान उपाध्याय ने शत्रुघ्न सिन्हा का भाषण के माध्यम से स्वागत किया, साथ ही साथ उपाध्याय ने जनता को भी संबोधित किया। आइए हम देखते हैं कि बाराबनी के विधायक उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। विधायक के भाषण के पश्चात शत्रुघ्न सिन्हा ने जनता को संबोधित किया। इस मौके पर हजारों लोग, महिला पुरुष, बूढ़े नौजवान सहित बच्चे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पंचगछिया के समाजसेवी गांधी नोनिया, विनोद चौहान, अमित नोनिया, मिथिलेश नोनिया, राजेश प्रसाद नोनिया आदि के अलावा अन्य सक्रिय सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता और समाजसेवी उपस्थित थे। मंच का संचालन वरुण बावरी और राजू मास्टर ने किया। সবাই ভাগ্যবান, আমরা দিদির কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা ছোট থেকে যে আমাদের হিরো, আমরা যেটা স্বপ্ন দেখতাম, যে তার সিনেমা দেখতাম এবং স্বপ্নে কোনোদিন ভাবিনি যে পাঁচ কেজি আয় শত্রুগন্ধা আসবে, তো তার জন্য কৃতজ্ঞ এবং শত্রুগন্ধাকে আমার প্রণাম। আমরা তাকে পেয়েছি, ওনাকে পেয়েছি এবং আমরা 20 তারিখ থেকে আমরা দেখতে ছিলাম 20 তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা সমস্ত কর্মী নেতৃত্ব পুরো আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সবাই আমরা একসাথে যেভাবে পরিশ্রম করে আমরা দাদার সাথ দিয়েছি এবং দাদাকে জেতার রাস্তা মসৃণ করেছি, তার জন্য সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আমরা আগামীতে যেহেতু দাদা খালি এখানে একটু ঘুরতে এসেছিল, সেই কারণে আজকের এটা, তো আমরা অন্য দিন বারাবলি সালানপুর মিলে সহি মানে মে দেশ কি সবসে লোকপ্রিয় নেতা या नेत्री, दमदार, शानदार और जानदार, इतनी पॉपुलर लीडर, मास लीडर, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, द ग्रेट लेडी ममता बनर्जी की आन बान शान में चार चांद लगाना चाहते हैं। ये जीत, ये सीट आसनसोल, हम तमाम लोग यही कोशिश थी कि कैसे ये जीत हासिल करें और ममता जी को इतना झेलना पड़ा है, इतना बर्दाश्त करना पड़ा है, इतना सहना पड़ा है। अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे बंगाल में आकर कैसी कैसी भाषा का प्रयोग किया था दीदी के बारे में, कैसा अपमान करने की कोशिश की, किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और किस तरह से बंगाल के लोग, बंगाल में वहां के लोग, दिल्ली के लोग आके बगैर एजेंडा के इन्वेड करने आए, इन्वेजन करने आए, कैसे अपने धन शक्ति का दुरुपयोग किया और अपना गन पावर, गुण पावर, मनी पावर, मसल पावर लेकर बंगाल के लोगों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस को कुचलने की कोशिश की। हमारे ममता जी पे प्रहार हुआ, अटैक हुआ, उसके बावजूद हमारी टाइग्रेस ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी ने व्हील चेयर पे खड़ा होने का नारा देके धूल चटा दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके दोस्तों को एकदम जमीन पे चित कर दिया उनको। और उसके बाद मास लेकर आपने देखा, पूरे देश में नहीं, विश्व में ममता बनर्जी जी एक रोल मॉडल बनकर उभरी है। वी टाइम न्यूज के लिए आसनसोल से स्वाति कुमारी तुरी की रिपोर्ट।